अमेरिका अपने संचार नेटवर्क को विदेशी दुश्मनों से बचाना चाहता है। इसी सिलसिले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने राष्ट्रीय आपातकाल पर कहा, यह आदेश संघीय सरकार को अमेरिकी कंपनियों के ऐसे व्यापारिक लेनदेन को रोकने की शक्ति देता है जो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अस्वीकार्य जोखिम पैदा करता है। बयान के अनुसार ट्रंप ने अमेरिका की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की रक्षा करने के लिए यह आदेश जारी किया है।